हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अभी मेरे करंट अफेयर्स के क्लास के ख़त्म होने के जस्ट बाद में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेशन आया था, तो मैंने सोचा कि इस अपडेशन को आपके साथ में शेयर कर दिया जाए, जिसके लिए मैंने एक ये शॉर्ट वीडियो बनाया है। रशिया और यूक्रेन का ये जो पूरा क्राइसिस चल रहा है, जो कि एक वर्ल्ड वॉर का रूप नहीं लेगा, पहली बात तो ये रीज़न क्या है कि बाकी कंट्री सपोर्ट ही नहीं कर रही हैं। जब सपोर्ट ही नहीं कर रही हैं तो किस बात का वर्ल्ड वॉर यहाँ पर होने जा रहा है। ये सारी कहानी जो है वो वन साइडेड होती हुई नज़र आ रही थी। अब क्या हुआ, यूएन को बनाया गया था, कल ही मैंने आपको शाम में पढ़ाया था कि यूएन को बनाया गया था यहाँ पर कि वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम करेगा। बट यूएन के अंदर आप अगर देखेंगे तो आपको 5 परमानेंट मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक आपको रशिया भी मिलेगा और एक आपको चाइना भी देखने को मिलता है। अब क्या होने जा रहा है, इतना क्राइसिस होने के बाद में अब फाइनली यूएन के जो मेंबर्स हैं उनके साथ में रशिया की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी जाएगी। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि क्या यूक्रेन उससे पहले अपना सरेंडर करेगा कि नहीं। आप कहेंगे क्यों आप ऐसा क्यों कह रही हैं, चलिए आपको बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आप अगर इस इमेज को देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि करीबन 48 आवर्स के अंदर 50,000 जो नागरिक हैं उन लोगों ने क्या किया है, यूक्रेन को छोड़ दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि वहाँ का क्राइसिस कितना ज़्यादा बढ़ गया होगा। ये जो पूरा क्राइसिस आप देख रहे हो, एक्चुअल में इसका जो रीज़न है वो रीज़न सिर्फ यहाँ पे नाटो था। यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता था और रशिया जो है वो चाहता था कि वो उनका मेंबर ना बने, क्योंकि जो ये विवाद था, ये विवाद था एक लैंड एरिया को लेके, यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट को लेके। लेकिन यहाँ पर रशिया ने बहुत पहले से ये ड्रिलिंग एक्सरसाइज वगैरह सारी चीज़ें कर रहे थे, इन्होंने बोला कि हम बिल्कुल भी इस एरिया को कैप्चर नहीं करेंगे, बट फिर भी इन्होंने यहाँ पर अटैक किया और कीव तक ये पहुंच चुके हैं। सेकेंडली, इस डेटा के बाद में अगर हम इसके अगले डेटा की बात करें तो यहाँ पे जो तीसरी इमेज आई है आप देख सकते हैं, ये एक आइलैंड है, ये यूक्रेन का एक आइलैंड है। यहाँ पे कुछ सोल्जर्स थे जिनकी हत्या कर दी गई है रशिया के द्वारा। रीज़न क्या है कि यूक्रेन के सोल्जर्स इस पर्टिकुलर आइलैंड को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते उनकी हत्या करी गई। तो ये एक तरीके से ब्लडी वॉर में कन्वर्ट हो रहा है, और ब्लडी वॉर में कन्वर्ट होने के बाद में भी अगर यूएन की आंखें नहीं खुलती हैं तो यार फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद ही हो जाना चाहिए, और क्या कह सकते हैं, है ना। दूसरी तरफ जहां पे यूएसए अपने आप को वर्ल्ड पावर कहता है, यूएसए ने तो साफ मना ही कर दिया कि भाई हमसे ना हो पाएगा, हम नहीं आ रहे तुम्हारी हेल्प करने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं कि भाई नाटो के ऊपर अगर रशिया ने अटैक किया तो हम जवाब देंगे। तो इस टाइम पे यूक्रेन पूरी तरीके से अकेला पड़ चुका है, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो उनकी यहाँ पर हेल्प करे या फिर उनके लिए किसी तरीके का कोई एक्शन लिया जाए। सब अपनी अपनी जगह पर सिर्फ बातें कर रहे हैं लेकिन उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा। इवन इंडिया ने भी यहाँ पर बातें तो करी थी बट कोई कंक्लूजन नहीं निकला। हाँ, इंडिया ने आज सुबह जो अनाउंसमेंट किया है उस अनाउंसमेंट के हिसाब से इंडिया की तरफ से फ्लाइट्स को भेजा जाएगा और उनका जो खर्च है, उनका जो किराया है, वो भी अब सरकारों के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पे करेगी। अब उस पर्टिकुलर पर्सन को इंडिया में वापस आने के लिए पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन सारी चीज़ों के बीच में यूक्रेन के प्रेसिडेंट का कहना क्या है। अगर हम यूक्रेन के प्रेसिडेंट की बात करें तो कल ही उन्होंने यहाँ पर बोला था कि हम बातें करेंगे, बातें होंगी, जंग आज ख़त्म हो या कल ख़त्म हो, बातें करी जाएंगी और बातों के द्वारा ही यहाँ पे इसको सुलझाया जाएगा। क्योंकि यूक्रेन एक कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है कि मतलब आप आए और आपने यहाँ पे आके लूट लिया यूक्रेन को और आप चले गए। इट्स नॉट लाइक एनी अफ्रीकन कंट्री, यूक्रेन इज़ यूक्रेन। तो यूक्रेन का अपना भी एक स्टैंड है, यूक्रेन का अपना भी एक नाम है पूरी दुनिया के अंदर, और हमारे देश के साथ में तो इनके बहुत सारे टाइज हैं, अनगिनत टाइज हैं। तो यहाँ पर अब सिचुएशन ये थी कि चीज़ें कैसी होती हैं कैसी नहीं, तो अब देखना ये है। हो सकता है कि अब थोड़ी देर बाद, जब तक ये वीडियो आपके पास में आएगा, हो सकता है कि जो यूक्रेन है वो सरेंडर कर चुका हो, क्योंकि कोई और ऑप्शन मिल नहीं रहा। ये बैठक होने के बाद में भी कंक्लूजन जब तक आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि रशिया के जो फोर्सेस हैं वो ऑलरेडी कीव तक पहुंच चुके हैं, कैपिटल तक पहुंच चुके हैं, और कैपिटल के अंदर ही प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने ये भी बोला था कि सबसे पहला निशाना जो है वो मैं ही हूँ, इनके प्रेसिडेंट ने बोली थी ये बात। अब देखो होता क्या है क्या नहीं होता है, जस्ट फिंगर क्रॉस एंड होप फॉर द बेस्ट कि ये क्राइसिस जल्दी ही रुक जाए और यहाँ पर बातों के द्वारा ही चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए। तो इस पर्टिकुलर
इन्फॉर्मेशन को, इस पर्टिकुलर सेशन को ज़रूर से अपने फ्रेंड्स के साथ में एक बार से शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा अभी आपसे मिलेंगे 10:30 बजे और दोपहर में 1:30 बजे अनअकैडमी के क्लासेस में। और आपका नया पेड बैच गाइज स्टार्ट होने जा रहा है 2 तारीख से, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको वीकली टेस्ट, लाइव क्लासेस, PDF सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती है विद द टॉप एजुकेटर्स। एंड ये ध्यान रखिएगा कि जब हम टॉप एजुकेटर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको आइकॉनिक फीचर्स, आस्क अ डाउट, टेस्ट सीरीज, रेज योर हैंड, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जब आप इन बैचेस को ज्वाइन करते हैं 1 साल या 2 साल के लिए तो इनका जो अमाउंट है दैट इज 6500, बट जब आप कोड यूज करोगे Kriti10 तो ये अमाउंट आपका 10% कम हो जाता है। इसके अलावा आपका ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट भी रहेगा कल 27 फेब को, जहां पे आप जीत सकते हैं ये सारे प्राइजेस बैंकिंग, SSC, रेलवे, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात करते हैं। बस एक बार से यहाँ पे सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।